कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात कर रही हूँ मैं डिंपल यादव को लेकर। आपको बता दें कि डिंपल यादव की भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है, लाखों तक आंकड़ा पहुंच ही गया। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव, ये बात सबको मालूम है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को उतारना चाहती थी, लेकिन अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर मनाही कर दी, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी है कि डिंपल यादव और अपर्णा यादव मुलाकात कर सकते हैं, घर मिलने पहुंची है, यहाँ पर बधाइयां देती नजर आई है, इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन ये बात सच है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल तो जल्दी हो जाएगी। लेकिन ऐसी खबरें पहले भी लगातार सामने आई थी, जब अपर्णा यादव डिंपल से मिलने पहुंची थी, उनसे हालचाल लेने पहुंची थी और यहाँ पर जीत की बधाई देने के लिए भी उनके पास पहुंची थी। और अब तो जीत हासिल भी हो गई, तो नॉर्मल सी बात है, आसानी सी बात है कि डिंपल यादव से मिलने के लिए यहाँ पर अपर्णा यादव और साथ ही साथ अखिलेश के साथ प्रतीक यादव भी पहुंचेंगे। प्रतीक और अपर्णा पति पत्नी दोनों डिंपल यादव और अखिलेश यादव से मिलने पहुंचेंगे और साफ तौर पर बधाइयां देते नजर आएंगे। ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि भारी बहुमत से जीतना पूरी तरीके से तय था डिंपल यादव का और उन्होंने जीत भी हासिल की, मैनपुरी सीट पर से जीत के, जिसपे लगातार यहाँ पर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव चार बार जीत हासिल कर चुके थे। भारी बहुमत जिसे कहते हैं, 3 लाख से ज्यादा वोटों से तेज प्रताप सिंह यादव ने जीत हासिल की थी, धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब डिंपल यादव की भी जीत हो गई। और ये बात साफ तौर पे देखी जा रही है कि परिवार परिवार होता है, यहाँ पर पार्टी को साइड में रखते हुए अपर्णा और प्रतीक यहाँ पर डिंपल यादव को बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया था अपर्णा यादव ने कि जो होगा अच्छा होगा, सो भला, इस तरीके से लगातार ये बात कहती नजर आई थी अपर्णा यादव। और हम देख ही सकते हैं अब किस तरीके से अपर्णा यादव ने यहाँ पर मिलने भी जा सकते, इस तरीके की बातें यहाँ पर कही जा रही है, इस तरीके के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद जब यहाँ पर उनके आखिरी दर्शन के लिए उनकी बॉडी को रखा गया था, तो उस समय गले लग कर दोनों ही भौवे यहाँ पर देवरानी जिठानी एक दूसरे के गले लग कर रोती नजर आई थी, वो तस्वीरें सामने आई थी। यानी कि जब परिवार को प्यार के और साथ की जरूरत होती है, तो परिवार एक साथ नजर आता, और कहीं ना कहीं ये एक काबिले तारीफ वाली बात है यादव परिवार के लिए। अब डिंपल अब जीत चुके हैं, अपर्णा प्रति क्या बड़ा कदम उठाएंगे ये देखना होगा। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।